ग्वालियर के माधोगंज थाना परिसर में सोमवार रात अचानक आग लग गई। अज्ञात कारणों से लगी आग ने कुछ ही देर में कबाड़ की तरह थाने में खड़े पुराने वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। ग्वालियर के माधोगंज थाने के बाहर रखे जब्त वाहनों में सोमवार रात आग लग गई। इस घटना में एक के बाद एक चार पहिया वाहन और छह दो पहिया वाहन जलकर खाक हो गए। आग की खबर लगते ही थाने के आसपास में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। थाना भीड़भाड़ वाले इलाके में होने के कारण से तत्काल दमकल अमले को फोन कर सूचना दी गई। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची चार फायर ब्रिगेड ने पानी फायर कर आग पर दो घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया। माधोगंज से सूचना मिली है कि यहाँ माधोगंज थाने के पीछे जो गाड़ियाँ खड़ी है उनमें आग लगी हुई है, तो यहाँ मौके पर मैंने दो गाड़ी तत्काल भेज दी थी, वो आग बुझाना प्रारंभ कर दिया है। आग का कारण यहाँ लग रहा है क्योंकि वहाँ कोई बिजली की फिटिंग है नहीं, वहाँ आसपास से किसी ने बीड़ी पीते हुए फेंक दी है और उसी कारण ये आग चलना शुरू किया। माधोगंज थाने के पीछे साइड जो पुराना काफ़ी समय का जब्त माल जो अनुपयोगी हर जगह हो चुका था, जो कोर्ट से रिलीज नहीं हुआ था, उस माल में आग लगी, पर किन कारणों से लगी ये फिलहाल जाँच कुछ है, अभी अज्ञात कारण है। तो अभी आग पर नियंत्रण पा लिया है, फायर ब्रिगेड आ गई थी, मौके पर आग बुझा दी है। अब आग बुझने के बाद हम देखेंगे कि कितनी गाड़ियों में आग लगी है और आग का क्या कारण है, जाँच करते हैं, अर्जनी दर्ज करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।